यदि आप AEPS चलाते हो, यानी कि आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम करते हो, तो आपको प्रतिदिन खुद का ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है, आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको खुद का फिंगरप्रिंट लगा के खुद का आधार कार्ड कैसे वेरीफाई करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, मान लो ग्राहक का अंगूठा लगवा दिया और आपने आधार कार्ड किसी दूसरे का वेरिफिकेशन करवा दिया, तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हर रोज आपको खुद का आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना जरूरी है। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले मोबाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो ऐप है हमारे पास बैंकिट, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर आईडी पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लेते हैं। यदि आईडी पासवर्ड लेना चाहते हो तो नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैंकिंग सर्विस दिखा रहा है, देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अभी आपको साफ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पे देखिए NPCI की तरफ से, इसको ओके कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, देखिए AEPS सेवाओं पर अब 2FA, ठीक है, यहाँ पे लागू किया जा रहा है। 2FA के अनुसार प्रतिदिन सुबह को बैंकिंग एजेंट को दिन में पहली AEPS सेवा इस्तेमाल करने के लिए अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन अभी आने लग गया है और आपके ऐप के अंदर दिखाएगा ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना आधार कार्ड यहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा हर रोज़। यहाँ पे AEPS है, AEPS पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद में नीचे देखोगे यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है, यहाँ पे आधार, और उसके बाद में अपना बायोमेट्रिक सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। चलिए मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया, बायोमेट्रिक सेलेक्ट कर दिया, सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर अपना खुद का फिंगरप्रिंट लगा के वेरीफिकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्लीज वेट बोल रहा है और ये सक्सेस हो गया है। ठीक है, देखिए ये सक्सेस हो गया, आप देख सकते हो, और इसको ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दोबारा जैसे ही ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए सारी सर्विस ओके हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं, आधार पे कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लिक करके हम कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम बैंकिट सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, और 3000 से ऊपर निकालने पर 11 रुपये इसके अंदर कमीशन मिलता है। इसका आईडी पासवर्ड लेना चाहते हो तो नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 11 रुपये AEPS कमीशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 11 रुपये फ्लैट AEPS कमीशन दिखा रहा है, ये बार बार नोटिफिकेशन चल रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी अच्छी सर्विस है, एड मनी भी है और बहुत सारी सर्विस है। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।